अगर अशोक गहलोत का दिमाग खराब हो गया ना तो एक दिन में दिमाग ठीक कर देंगे, अशोक गहलोत को पता लग जाएगा क्यों। हम जनता है, हम बनाना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। हमारे लोगों ने इन पर भरोसा किया मक्कारों पे कि हमारी सुन लेंगे। बहुत हुआ ये ज्ञापन देना, न्याय मांगना, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। मांगने वाला भिखारी होता है, तुम इन्हें बनाने वाले हो। जिन्होंने जो बनाना है बनाता है, वो मालिक होता है। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहिता आवाज। आज मैं आपके लिए वो सारी बड़ी खबरें लाया हूं जो आपके लिए जरूरी है। गोदी मीडिया जिनको छिपा देता है, जो इस देश के लिए मजबूत बनाती है और इस देश के भाईचारे के लिए बहुत जरूरी है, और खासकर बहुजनों के लिए ये खबरें बहुत जरूरी है। देखिए, एक एक करके खबर बताऊंगा और उसका विश्लेषण भी करूंगा ताकि आप लोग समझें कि किस तरीके से गोदी मीडिया इन खबरों को छिपा देता है। ये देखिए, सबसे पहली खबर बिहार से आ रही है। बिहार में दिखी इंसानियत की मिसाल, मुस्लिम परिवार ने किया हिंदू बुजुर्ग का अंतिम संस्कार। पटना में मोहम्मद रिजवान की दुकान पर स्वर्गीय रामदेव साहब पिछले 25 साल से काम करते हैं। ये देखिए तस्वीरें, आप देख सकते हैं उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनकी अर्थी को ले जाया जा रहा है। ये देखिए, उत्कर्ष सिंह ने इसी खबर को ट्वीट किया है। 75 साल के रामदेव की मौत पर मोहम्मद अरमान ने दोस्तों के साथ मिलकर अर्थी सजाई और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कराया। लोगों का कहना है कि पटना के समनपुरा में सालों पहले रामदेव भूखे प्यासे भटकते हुए पहुंच गए थे, तभी से रामदेव अरमान की दुकान पर बतौर सेल्समैन काम कर रहे थे। ये खबरें मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें सद्भावना है, भाईचारा है और जो इंसानियत है, सबसे बड़ी बात इंसानियत है, जिससे देश मजबूत होता है। जब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे तभी देश मजबूत होगा, लेकिन गोदी मीडिया ये खबरें नहीं दिखाएगा। ये देखिए, सबसे भयानक और निर्मम, बहुत ही जघन्य खबर है, हृदय विदारक है, दुखद है कि किस तरीके से किसान आज भी आत्महत्या करने पर मजबूर है। जहां एक तरफ मोदी सरकार कह रही थी कि हमें MSP लाएंगे, MSP देंगे और तमाम तरह की जो योजनाएं निकाली थी उस सब के बावजूद भी, किसानों का लोन माफ करने के बावजूद भी किसान आज भी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं लेकिन खबर समझिए, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सत्य प्रकाश भारतीय, उन्होंने ट्वीट किया है, लेखपाल और कानून गो की प्रताड़ना से तंग आकर किसान ने फांसी लगा ली, सुसाइड नोट छोड़ गया है। यूपी के झांसी के पुंछ क्षेत्र के फतेहपुर स्टेट गांव में किसान ने फांसी लगा ली। आरोप है कि समाधान दिवस में कई बार चिट्ठी देने पर सुनवाई नहीं हुई थी। तो किस बात का समाधान दिवस, आप ये देखिए, आरोप है कि कानून गो और लेखपाल सुनवाई नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही किसान की जमीन की गलत नपाई भी की थी। प्रशासनिक प्रताड़ना से तंग आकर किसान ने फांसी लगा ली, वे सुसाइड नोट छोड़ गया जिसमें उसने पूरी बात लिखी है। बुजुर्ग किसान के पास पैसे नहीं बचे थे, वे पैदल चलकर हाईवे NH 27 तक आया। इसके बाद उसने हाईवे किनारे ही एक पेड़ से फंदा लगाकर झूल गया। वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही निर्मम है, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके के हालात है। आज भी किसानों को परेशान किया जाता है और जब वो शिकायत करने प्रशासन के पास जाते हैं तो उनकी तरफ से उनको प्रताड़ना मिलती है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले आए हैं और ये आखिरी भी नहीं होगा क्योंकि आगे भी ऐसे ही होगा। जब तक व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बड़ी खबर थी यूपी से, जहां पर एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण जो गिरफ्तार हैं, राजस्थान सरकार ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनके लिए लगातार आवाज उठ रही है, देश भर में उनके लिए आंदोलन हो रहा है उनके समर्थन में। ये देखिए, हंसराज नुनगिरिया कोटा है, उन्होंने ट्वीट करके फोटोज ट्वीट किए हैं। देखिए, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब की रिहाई को लेकर दिल्ली प्रदेश की टीम ने दिल्ली बीकानेर हाउस का घेराव किया। दिल्ली प्रदेश भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम की पूरी टीम को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं,
वो लोग सड़कों पर उतरे। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को गहलोत सरकार द्वारा जल्द ही रिहा नहीं किया गया तो संपूर्ण भीम आर्मी दिल्ली के अंबेडकर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेगी। भारी संख्या में सभी राज्यों के साथी तैयार रहे दिल्ली आने के लिए। तो चंद्रशेखर आजाद को अभी भी तैयार नहीं, रिहा नहीं किया गया है और उनकी रिहाई की मांग लगातार उठ रही है। लेकिन आप समझिए, जो कांग्रेस बीजेपी आरएसएस को गालियां देती है, पुलिस का और तमाम एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाती है, राजस्थान में वही कांग्रेस चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर कर जेल भेज देती है, क्योंकि वो दलितों के लिए, अपने समाज के लिए आवाज उठाने, आंदोलन करने राजस्थान गए थे। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये देखिए, अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है, जो सहारनपुर में जिन चार युवकों को, पांच युवकों को पीटने की वीडियो वायरल हुई थी, यूपी में बीजेपी के एक विधायक ने बाकायदा वो वीडियो ट्वीट की थी और लोगों में, खासकर मुसलमानों में दहशत फैलाने के लिए इंटेंशन से वो वीडियो ट्वीट की गई थी। देखिए, अब उस पर बड़ी खबर आई है। यूपी के सहारनपुर में जुमे के बाद हुए बवाल के आरोप में पकड़े गए नौजवानों में से 8 को बेकसूर बताकर बरी कर दिया गया है, लेकिन इन नौजवानों में से कुछ पर पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार का कौन हिसाब देगा। दैनिक भास्कर ने इनमें से ही 4 लोगों की कहानी प्रकाशित की है, नीचे थ्रेड में पढ़े, ये देखिए। सहारनपुर पुलिस से पीटे 4 बेकसूरों की कहानी, थाने में लाठियों से पीटा, किसी का टूटा हाथ तो किसी का पैर, ये देखिए। अब इनका हिसाब कौन देगा, आप समझिए। ये मोहम्मद अली है। अली बताते हैं कि मैंने जुमे की नमाज अपने घर के पास मस्जिद में पड़ी, इसके बाद एक्टिवा लेने के लिए एजेंसी चला गया था, तभी पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में बैठा कर रखा और रात होते ही पिटाई शुरू कर दी, मुझ पर लाठियां बरसाई गई, मैंने 22 दिन बिना किसी अपराध के जेल में बिताए हैं, इसका हिसाब कौन देगा। ये मोहम्मद आसिफ है। आसिफ ने बताया कि वो स्कूटी से जामा मस्जिद की ओर निकल रहा था, तभी 2 पुलिसकर्मी आए और उसे फुटेज से मिलान करने की बात कहते हुए साथ ले गए। पहले कुछ ही लोग थे, शाम तक 30-35 लोग थाने लाए गए, सभी को 10-10 करके एक कमरे में बुलाया और फिर सभी की पिटाई की गई। ये देख ली इनकी तस्वीरें। ये सुभान है। सुभान बताते हैं कि वो अपने दोस्त आसिफ और अली के बारे पूछने थाना गया था, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। शाम को 10-15 मिनट तक लाठियों से पिटाई की गई, निर्दोष होने की गुहार लगाते रहे लेकिन किसी ने भी नहीं सुना, रात खाना भी नहीं मिला, पिटाई से चल भी नहीं पा रहा था। ये सुभान की कहानी है। ये गुलफाम है। गुलफाम बताते हैं कि वो अपने साले आसिफ की गिरफ्तारी की बात सुनकर उसके लिए वकील करने गए थे, पुलिस ने फुटेज से मिलान करने की बात कही और उन्हें थाने ले गए, बोले फुटेज देखकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्हें भी उपद्रव का दोषी बनाकर जेल भेज दिया गया, हवालात में पिटाई भी हुई। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जिसका सारांश उपरोक्त में ट्वीट में ट्वीट किया गया। ये देखिए जो दैनिक भास्कर ने खबर की है। तो इस तरीके से मुसलमानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और अब ये खबर, ग्वालियर में उमड़ा ये नीला जनसेला, बसपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष का सबूत, बसपा आने वाले विधानसभा चुनाव में इसी तरह विशाल जीत दिखेगी और ग्वालियर की जनता के विकास की बुनियाद बनेगी। और सभी आए हुए लोगों को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने संबोधित किया। ये तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से वहां पर जनसैलाब उमड़ रहा है। और अब बात करते हैं बीजेपी के लश्कर तैयबा के लिंक की। ये देखिए, ये खबर बहुत ही भयंकर है। जिस तरीके से राजस्थान के उदयपुर में जो रियाज था वो बीजेपी का मेंबर निकला, उसी तरीके से अब एक आतंकी था जो लश्कर तैयबा को इन्फॉर्मेशन देता था और वो बीजेपी का आईटी सेल था, माइनॉरिटी मोर्चा का। ये देखिए, लश्कर आतंकी बीजेपी का सदस्य, कांग्रेस ने भाजपा को चौतरफा घेरा, आतंकियों के साथ बताया बीजेपी का कनेक्शन। ये देखिए तस्वीरें, आप साफ देख सकते हैं। जम्मू के बीजेपी नेता और पूर्व विधायक रघुवीर सिंह पठानिया कांग्रेस के आरोप पर बोले, तालेब हुसैन की गिरफ्तारी के बाद एक नई साजिश सामने आ रही है जिसमें आतंकवादी बीजेपी की सदस्यता लेकर हमारे दफ्तर में घुसकर हमारे नेताओं को आसानी से मार सकें। अब आप बताइए, जब आपकी इतनी बड़ी पार्टी है और इतनी एक्टिव पार्टी है, तो क्या आप लोगों को पता नहीं चलता, क्या छानबीन नहीं करते, किसी को भी पार्टी में ले लेते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीजेपी के लोग जो है, आरएसएस के लोग, ये जानबूझकर ऐसा करवाते हैं ताकि लोगों में द्वेष हो, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैले। और आज तक जितने भी बड़े कांड हुए हैं वो बीजेपी की ही सरकार में हुए, चाहे पुलवामा हो, चाहे 2002 में संसद पर हमला हो, या फिर ये कश्मीरी पंडितों का पलायन हो। तो ये जिस तरीके से साजिश रचते हैं,
वो बहुत ही खतरनाक। ये देखिए जो खबर हमने आपको कल दिखाई थी एसएससी जीडी की, उसको राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मैंने अपने मित्रों का भविष्य विदेशों तक में सुरक्षित करने वाले प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के युवाओं को बेरोजगार करने के लिए छोड़ दिया है। इन युवाओं के साथ इतना पक्षपात क्यों? जो एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी हैं, जो अपनी भर्ती को लेकर डिमांड कर रहे हैं, पिछले 1.5 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 1 साल तक उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन ना मीडिया ने दिखाया ना सरकार ने उस पर संज्ञान लिया। अब वो मजबूर हैं कि नागपुर से दिल्ली पैदल चलकर आ रहे हैं, जिसमें कई छात्रों की तबीयत खराब है, पैरों में छाले पड़ चुके हैं। अब ये देखिए, दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, कोर्ट और सरकार इनको अंदर रखना चाहती है, सुनवाई वगैरह की नौटंकी बंद होना चाहिए, अगर खालिद संविधान की प्रस्तावना पड़ता है तो भी उसे जेल होती, बीजेपी की राजनीति की भेंट चढ़ गया ये युवा, जबकि इसकी कोई गलती नहीं है, ये कोर्ट को भी पता है और सरकार को भी पता है। ये देखिए, उमर खालिद बेल मैटर इन लार्जर कॉन्स्पिरेसी ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस हैज बीन एडजर्न ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हिज काउंसल। हिज काउंसल सीनियर एडवोकेट त्रिदीप हैज हिज डाउन विद कोविड। दिस मैटर वॉज टू बी हियर टूडे 2:50 PM इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो इनकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इनके जो काउंसल है वो कोविड के चलते नहीं आ पाए हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है, जिसके चलते इनकी बेल को फिर से सुनवाई को बढ़ा दिया गया, यानी कि ये फिर अब तक फिर बाहर नहीं निकल के आएंगे। तो इस तरीके से लगातार मुस्लिम नौजवानों को जेल में ठूस रखा है, और ये सरकार भी जानती है और जजेस भी जानते हैं। देखिए, जय राम रमेश ने ट्वीट किया, इस फोटो में भाजपा की राष्ट्रभक्ति की असलियत दिख रही है, भाजपा का आतंकियों के साथ गठबंधन सबके सामने है। तो जो रियाज थे, जिन्होंने उदयपुर में एक निर्मम हत्या की कन्हैया लाल की, वो बीजेपी का सदस्य था। और अब ये देखिए, विनोद काबरे ने ट्वीट किया है, पता किया जाना चाहिए कि बीजेपी आईटी सेल में ये आतंकवादी किसे रिपोर्ट कर रहा था। लश्कर टेररिस्ट कोस्ट इन जम्मू वाज बीजेपी आईटी सेल। जो तालिब हुसैन थे वो बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, लेकिन ये बात बीजेपी को पता ही नहीं थी, और वो किसको खबरें दे रहे थे, किसको जानकारी दे रहे थे, ये बड़े सवाल है। एसपी देवेंदर याद है आपको, जो जिनका पुलवामा में नाम आया था, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, कनिष्क सिंह ने लिखा है, बहुजनों के हक अधिकारों के लिए राजस्थान में चल रहे आंदोलन में शामिल होने गए आजाद जी को अशोक गहलोत सरकार ने गिरफ्तार करके देश के बहुजन समाज को ललकारा है। गहलोत सरकार गलतफहमी निकाल दे, हम लड़ने वाले हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये चंद्रशेखर आजाद की एक बाइट सुन लीजिए, जिसमें वो गहलोत को ललकार रहे हैं। अगर अशोक गहलोत का दिमाग खराब हो गया ना, तो एक दिन में दिमाग ठीक कर देंगे, अशोक गहलोत को पता लग जाएगा क्यों। हम जनता हैं, हम बनाना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। हमारे लोगों ने इन पर भरोसा किया मक्कारों पे कि हमारी सुन लेंगे। बहुत हुआ ये ज्ञापन देना, न्याय मांगना, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। मांगने वाला भिखारी होता है, तुम इन्हें बनाने वाले हो, जिन्होंने जो बनाना है बनाता है, वो मालिक होता है। और अब ये एक और सबसे बड़ी खबर देखिए, यूपी में किस तरीके से दलितों के साथ मार पिटाई होती है। ये देखिए, सूरज कुमार बोध ने ट्वीट किया है, छेड़खानी का विरोध करने पर सुघोषित ऊंची जाति के व्यक्ति ने एक ऐसी महिला को बेरहमी से मारा, जाति सूचक गालियां दी, गाजीपुर यूपी का मामला है। तस्वीर हम नहीं दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, जिस तरीके से ये शख्स जो है एक महिला को बीच रोड पर लेटा कर मार रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एससी महिला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। तो ये सारी बड़ी खबरें थी जो हम आपके लिए लेकर आए थे, जो मीडिया छुपा देता है, जो देश को मजबूत करने वाली खबरें हैं, लेकिन गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाता है, मनु मीडिया का उसको नहीं दिखाता है। इस वीडियो पर, इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।